नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक लालमणि प्रसाद जी। तो आज इनसे जानेंगे जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का स्तर गिर गया था, लेकिन इस समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी लगातार मजबूत करने में लगी है जमीनी स्तर पर। देखिए, जब किसी कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है तो स्वाभाविक है कि उसकी जिम्मेदारी हो जाती है दवा करावे और डायग्नोसिस सही होना चाहिए। तो आज बहुजन समाज पार्टी, लंबे अंतराल से हम लोग भी उस पार्टी में से विधायक हुए, 93 में विधायक हुए, 96 में दोबारा विधायक हुए, 97 मिनिस्टर बने, 2004 से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बस्ती से, लोकसभा से। तो आज यदि गिरावट हुई है तो बहन जी को मंथन करना चाहिए कि हमारी क्या कमजोरी रही है, क्यों ये गिरावट हो रही है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उस बात को, सच्चाई को समाज के सामने रखना चाहिए। और जब तक सच्चाई को समाज के सामने नहीं रखेंगी तब तक वो अट्रैक्शन बढ़ नहीं पाएगा। बहुत लोग तो जो है आरोप लगाते हैं सर, ईडी के डर से जो है प्रचार नहीं करते हैं या बाहर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर आदमी की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो ईडी या सीबीआई का डर नहीं है। बहन माती जी ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ बुनियादी काम किया है, ऐसे ऐसे लोगों को बतला दिया का अवकाश सत्ता क्या होता है। हमें कैसे कह दें कि ईडी और सीबीआई का डर है? ईडी सीबीआई का नहीं डर है, कहीं हम पिछड़े और पिछड़ों का भागीदारी नहीं दे पाए। हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो कमज़ोरी हुई है, जो 52% बैकवर्डों का हम उनको भागीदारी सत्ता में, शासन में, या भागीदारी जो है टिकट बंटवारे में या कहीं संगठन में हम भागीदारी नहीं दे पाए, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे उनके लिए और उनको विश्वास में नहीं लिया। उस समाज के लोगों का विश्वास हो गया कि हमारी भागीदारी बहन जी संगठन में या टिकट बंटवारे में नहीं दे रही। इस नाते लोगों ने स्वाभाविक है कहीं ना कहीं असहयोग किया है। तो आज उस पर मंथन कर रही हैं बहन जी, पूरे देश के पैमाने पर उनका विषय है, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। तो आने वाले दिनों में उनकी नैतिक जिम्मेदारी, फिर भविष्य में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहे उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। काम मैं बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दलिया से राजस्तरीय हो गई है, दर्जा मिल गया है, वो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ चुकी हैं। पीछे छोड़ने का मतलब है यूपी में ऐसा नहीं है पीछे छोड़ चुकी हैं। हमारा यह है कि उनको उनके एमएलए बन गए, उनको यदि अब तो हम ये देखे नहीं क्या परसेंट वोट है हमारे सामने और वोट का परसेंटेज 4% ऊपर रहेगा तभी राज्य स्तरीय। अच्छा सर, अभी 2024 का चुनाव होने वाला है, तो किस तरह से आप सोच रहे हैं? आप तो जो है बहुजन समाज पार्टी के विधायक एमएलए रह चुके हैं, कैसे क्या करेंगे? देखिए, 2024 ही लक्ष्य हम लोगों का, और स्वाभाविक है कहीं कोई गलतियां हुई हैं 22 में, यदि आज भी आप जोड़ लीजिए वोट तो लगभग जो है 32% वोट समाजवादी पार्टी को मिला और लगभग 13% वोट बहन माती जी को मिला। यदि दोनों जोड़ दिया जाए तो लगभग 45% वोट हो रहा है ना, और कहीं कहीं जो है मुश्किल से 500 4000 5000 3000 2000 इस तरह से तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी हारी है। यदि दोनों लोग सूझबूझ से काम किए होते, स्वाभाविक है तमाम लोगों ने इस बात को दबाव बनाया, लेकिन अब ये वो दोनों नेता जाने उनकी क्यों नहीं लोग इकट्ठा हो पाए, कहाँ ऐसी दूरियां बन गई, कम्युनिकेशन गैपिंग हुआ। नहीं, दोनों लोग रहते तो भाजपा रुक जाती 22 में भी रुक जाती। मन साफ करके दोनों नेताओं को काम करना होगा, और नहीं तो आने वाले दिनों में यदि ये नहीं परफॉर्मेंस या समाज के सामने अपना परफॉर्मेंस प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो कोई ना कोई विकट तो खड़ा होगा पूरे प्रदेश। आपका कहने का मतलब ये है सर कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को जो है प्रधानमंत्री बनाने की चेतना समाजवादी पार्टी को लेना चाहिए और बसपा को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चेतना लेना चाहिए? बिल्कुल यही बात, यदि घोषणा हुआ होता शुरुआती दौर में तो आज ये बातें नहीं आती। बिल्कुल, आज बहन माती जी सीनियर लीडर हैं और समाज, हम ही लोगों ने नारा लगाया था
कि जब यूपी का इलेक्शन चल रहा था तो यूपी की मजबूरी है, बहन माती जरूरी है, और फिर हम ही लोगों ने नारा लगाया था कि देश की मजबूरी है, बहन माती जरूरी है, नारा लगाया था। लेकिन अब आज कोई ऐसी परिस्थिति बनी है कि स्वाभाविक गिरावट आई है, तो फिर देश की मजबूरी है, बहन माती है, नारा तो गूंजा पूरे देश में, दुनिया ने उनके सराहा, उनके शासन को सराहा, उनके लाइन ऑर्डर को सराहा, बहन माती जी के, जब बहन माती के लाइन ऑर्डर को सराहा, तो स्वाभाविक है कि आज के परिवेश में अभी भी जो वीकर सेक्शन है, दबा कुचला, जो चाहता है न्याय चाहिए, वो बहन माती जी के प्रति आशा भरी निगाह से देख रहा है, लेकिन वो खरी नहीं उतर पाएंगी आगे चल करके। उनका परफॉर्मेंस साल भर, डेढ़ साल, जो कि 24 का इलेक्शन के पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस या समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किया, तो स्वाभाविक नए विकल्प की तरफ लोग जाएंगे। आखिरी सवाल यह है सर, बहुजन समाज पार्टी से जो एससी एसटी ओबीसी के जो युवा वर्ग है, उनसे क्या अपील है, क्या उनके लिए क्या कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से? देखिए, जो हमारा नौजवान है, देखिए मानवर कांशीराम साहब ने जो स्ट्रगल करने की बात किया था कि कहीं कोई घटना घट जाए, कहीं कोई घटना घट जाए, तो स्वाभाविक है हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे करके कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है और यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम संघर्ष करेंगे, ये तो बात ये थी। लेकिन आज हमारा नौजवान हवा बेस में, जैसे हम ही नहीं कह रहे हैं, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आज जालिम लोगों की सरकार है, वो जालिम लोग नहीं चाहते, वो खाली बाबा साहब के समझा, भी अम्बेडकर जयंती आई थी तो सारे लोगों ने कहा कि अब तो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के बतलाए रास्ते पर चलना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि हम बाबा साहब संविधान मानते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा, तो हमने कहा भाई यदि संविधान को मानते हैं तो आज जो संविधान में 52% बैकवर्ड है, पिछड़ा, लेकिन उसमें धार्मिक अल्पसंख्यक की भागीदारी भी है कुछ, तो ऐसी परिस्थितियों में 52-54% बैकवर्ड मंडल आयोग ने कहा 27% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आज तक न तो कांग्रेस के रिज्यूम में आरक्षण का कोटा पूरा हुआ, 50 से 55 साल कांग्रेस का रिज्यूम रहा, 8 साल इनका शासन,